नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ उमाकांत उपाध्याय। सीएम योगी ने जब से उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है, तब से ही सूबे में कुख्यात माफिया और बदमाशों की सामत आई हुई है। गुंडागर्दी और दमंगाई के दंग पर जमकर काली कमाई करने वालों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है और ऑपरेशन नस्त्राभूत के तहत अपराधियों की इमारतों पर बुलडोजर गजर रहा है। योगी सरकार ने अपराधियों की ऐसी हालत कर दी है कि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। खासकर राजनीति का चोला ओढ़कर काला साम्राज्य खड़ा करने वालों पर इन दिनों सूबे में सामत आई हुई है। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में बुलडोजर रफ्तार पकड़ने लगा है, क्योंकि प्रदेश में बीते दिनों में शराब माफिया के जहरीले शराब पिलाकर न जाने कितने घरों को बर्बाद कर दिया और 108 लोगों की जिंदगी ले ली। सीएम योगी ने खुद गैंगस्टर एक्ट से लेकर एनएसए तक लगाने के आदेश दिए और कहा कि माफियाओं को जल्द से जल्द उसके किए की सजा दी जाए। सीएम योगी का आदेश आते ही यूपी पुलिस ने अभी कमर कस ली है और फिर शराब माफियाओं पर मिशन निस्त्राभूत शुरू हुआ, क्योंकि काले पैसे की कमाई से बनी संपत्ति बुरे वक्त में सबसे पहले जमीन पर जब्त होती है। बता दें कि अलीगढ़ में शराब माफियाओं के खिलाफ जिला प्रशासन ने अभियान छेड़ दिया है, जिसके तहत एसडीएम कॉल रंजीत सिंह ने शराब माफिया अनिल चौधरी के हरिओम कोल्ड स्टोर पर टीम के साथ बुलडोजर लेकर पहुंचे और फिर जो हुआ आपके सामने इस वीडियो में है। आप भी देख सकते हैं कि कैसे बुलडोजर शराब माफिया की बेहद कीमती संपत्ति को ध्वस्त कर रहा है। बता दें कि निस्त्राभूत की ये कार्रवाई एक पीड़ित व्यक्ति की शिकायत पर हुई, जिसने आरोप लगाया था कि शराब माफिया ने उसकी जमीन पर कब्जा कर ये अवैध निर्माण खड़ा कर दिया है, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए उसे मिट्टी में मिला दिया। तो वहीं कोल्ड स्टोर होने के नाते इसमें किसानों के आलू रखे हुए थे, जिसकी वजह से कुछ हिस्से को छोड़ दिया गया, जिसे जल्द ही कोर्ट के आदेश पर मिट्टी में मिला दिया जाएगा। आपकी क्या राय है इस वीडियो को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं। देखते रहे वीके न्यूज। धन्यवाद।